जहां दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। अनशन का आज पांचवा दिन है। न्यूज वन इंडिया संवाददाता पवन मिश्रा ने स्वाति मालीवाल से खास बातचीत की। उन्नाव और कठुआ में हुए गैंगरेप की घटना के बाद सजा को और सख्त करने के लिए साथ ही साथ 6 महीने के भीतर बलात्कारियों को फांसी सजा देने की मांग को लेकर के दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी राजघाट के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। हमारे साथ खुद स्वाति मालीवाल जी मौजूद हैं, बात करेंगे। उनसे बात करते हैं। मैम, आपके धरने के बाद अभी तक सरकार की कोई प्रतिनिधि आपसे बात करने के लिए नहीं आए हैं? जी अभी तो कोई नहीं आया। मुझे लगता है बहुत दुख की बात है। ये एक अनशन सिर्फ डिमांड्स के लिए नहीं है। हम डिमांड तो सरकार से कर ही रहे हैं कि हर हाल में छोटे बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने में फांसी की सजा दो। जितनी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के केसेस चल रहे हैं उनको भी 6 महीने में सुनवाई करके सख्त से सख्त सजा दो रेपिस्टों को। जो सरकार हिंदुओं के नाम पे आती है वो हिंदुओं के मंदिरों को लुटते हुए कैसे देख सकती है, दूषित होते हुए कैसे देख सकती है? मुझे दुख है कि अभी तक किसी ने भी अप्रोच नहीं करा, कोई भी इस मांग पे प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे दुख होता है। मैम, एक आखिरी सवाल है मैम आपसे। कल की एक घटना है, एक बलात्कार पीड़िता को उसके माता पिता को खरीदने की कोशिश किया गया, 20 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। वो लड़की स्थानीय थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो इस तरह की घटना राजधानी दिल्ली में भी, क्या उसको भी आप सपोर्ट करेंगी? जी, मैं दिल्ली में जितनी भी बच्चियां हैं सबको मैं कांटेक्ट भी करती हूँ, सबको सपोर्ट भी करती हूँ और सारी बच्चियों से अपील भी करती हूँ। यहाँ पे जब से मैं अनशन पे बैठी हूँ तो ऐसे भी बहुत केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जो महिला आयोग तक नहीं आते हैं और जिनका काफ़ी बार हमें पता भी नहीं चलता। तो सबसे अपील करती हूँ, जनता से अपील करती हूँ, ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है। ये कथुआ, उन्नाव, सूरत और 8 महीने की बच्ची की लड़ाई नहीं है, देश की सारी निर्भयाओं की लड़ाई नहीं है। ये हर उस इंसान की लड़ाई है जिसके घर में बेटी, माँ, बहन और पत्नी है, सबकी लड़ाई है। तो आप लोग भारी संख्या में राजघाट समता स्थल पे आएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं और साथ ही साथ अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे आइए, हमारी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, ये लड़ाई देश के लिए है, ये कहना है दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी का। कैमरा पर्सन प्रदीप रावत के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली।